हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाइब्रिड बाइकर अजय में, जहां हम आपको कुछ पलों के लिए साइकिलिंग की दुनिया में ले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं एक ऐसी कंफ्यूजन को दूर, जिसको लेके बहुत सारे राइडर्स कंफ्यूज होते हैं एक नए बाइक को खरीदने से पहले। वो होता है कि क्या हमें एक रोड बाइक लेनी चाहिए या फिर एक एमटीवी बाइक लेनी चाहिए। सो गाइस, आज के ये वीडियो लास्ट तक देखना और आपका जो कंफ्यूजन है एक नए बाइक खरीदने में वो दूर हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले सेगमेंट में जान लेते हैं कि जो रोड बाइक है वो बेसिकली क्या है। सो गाइस, जो रोड बाइक है उसको डिजाइन किया गया है रोड पे राइड करने के लिए, मतलब जो स्मूथ रोड है, प्लेन रोड है, जहाँ पे रोड बिल्कुल भी खराब नहीं है, वहाँ पे राइड करने के लिए रोड बाइक को डिजाइन किया गया है। रोड बाइक जो है वो काफी ज्यादा तेज चलती है, काफी स्मूथली चलती है, और अगर आप इस तरीके के राइडर हो जिसको स्पीड काफी पसंद है, जिसको फास्ट राइड करना काफी ज्यादा पसंद है, और आपके आसपास के रोड बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा अच्छे है, तो जो रोड बाइक है वो आपको काफी ज्यादा अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। सो रोड बाइक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो रोड बाइक है उसका फ्रेम काफी ज्यादा लाइट वेट होता है, जिसका वजह से आपका बाइक का जो वेट है वो काफी ज्यादा हल्की हो जाती है, और रोड बाइक में आपको ड्रॉप बार मिलते हैं, जिसके वजह से राइडिंग के दौरान आपका पोजीशन एरोडायनामिक होते हैं और साथ ही साथ काफी ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। रोड बाइक का जो टायर होता है वो काफी ज्यादा स्लिम होते हैं, जिसके वजह से आपको जो राइड है वो काफी ज्यादा स्पीड मिलती है। एंड रोड बाइक में जो आपको गियर कॉम्बिनेशन मिलता है वो राइडिंग के दौरान आपको स्पीड देने में हेल्प करती है। ना जो रोड बाइक है वो लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, और साथ ही साथ रेसिंग के लिए भी रोड बाइक काफी ज्यादा अच्छी है। बट रोड बाइक के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि खराब रोड है वहाँ पे आप रोड बाइक को अच्छी तरीके से राइड कर नहीं सकते, पंचर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ट्रेल वाली आपके राइड है या फिर काफी ज्यादा खराब रोड है, वहाँ पे आप रोड बाइक को अच्छी तरीके से राइड नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा सेगमेंट में जान लेते हैं जो एमटीवी बाइक है वो क्या है। जो माउंटेन बाइक है उसको डिजाइन किया गया है माउंटेन में चलाने के लिए, जैसे कि आप माउंटेन बाइक से ट्रेल पे राइड कर सकते हैं, ट्रेल्स मतलब जो ऑफ रोडिंग होता है वहाँ पे आप माउंटेन बाइक के साथ आराम से राइड कर सकते हैं। माउंटेन बाइक से आप स्टंट कर सकते हैं, माउंटेन बाइक को आप हर जगह चला सकते हैं, चाहे वो रोड पे हो या फिर ऑफ रोड क्लाइंबिंग, हर जगह आप माउंटेन बाइक को राइड कर सकते हैं। सो माउंटेन बाइक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन बाइक के टायर के बारे में। जो माउंटेन बाइक का टायर होता है वो रोड बाइक की कंपैरिजन में काफी ज्यादा चौड़ा होता है, उसके वजह से आपको राइड के दौरान रोड पे काफी अच्छी ग्रिप मिलती है। माउंटेन बाइक का जो हैंडल बार होता है वो काफी ज्यादा वाइड होता है, जिसके वजह से आप राइडिंग के दौरान काफी क्विक तरीके से हैंडल को इधर उधर कर सकते हैं, और वाइड हैंडल बार के कारण आपका जो साइकिलिंग के ऊपर कंट्रोल होता है वो काफी ज्यादा अच्छी होते हैं। ना जो माउंटेन बाइक का सेडल है वो काफी ज्यादा नैरो होता है, जिसके वजह से इतना ज्यादा कंफर्टेबल राइड आपको नहीं मिलती है, क्योंकि माउंटेन बाइक को कंफर्टेबल राइड के लिए डिजाइन नहीं किया गया, उसे डिजाइन किया गया है फन करने के लिए, ऑफ रोडिंग करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए। और माउंटेन बाइक का जो गियर रेशियो है वो आपको राइडिंग के दौरान काफी अच्छी राइड देते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मैंने बताया कि रोड बाइक और माउंटेन बाइक क्या है, अब बात करते हैं इन दोनों साइकिल में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग राइड करें या फिर किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें और आपको स्पीड से काफी ज्यादा लगाव है, तो आप रोड बाइक को ले सकते हैं। लेकिन रोड बाइक लेने से पहले आप अपने आसपास की रोड को देख लीजिए कि वो कैसा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफ रोडिंग करें, माउंटेन राइड करें या फिर स्टंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एमटीवी बाइक बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।